खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाना पुराने जमाने में बनाया जाता था लकड़ी के ऊपर, फिर कोयले से बनना शुरू हुआ, फिर कैरोसिन से, फिर गैस से, अब इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी माइक्रोवेव ओवन से। अब माइक्रोवेव में जो खाना बनता है जल्दी तो बन जाता है, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि कैसे बनाया जाए, खास तौर से इंडियन खाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि माइक्रोवेव में इंडियन खाना नहीं बनता है ना। भाई क्यों नहीं बनता है, अगर आपने लिया है तो सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि माइक्रोवेव ओवन है वो, ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ बन जाएगा। अब जैसे इडली के बर्तन में समोसे नहीं बनते ना, ऐसे ही माइक्रोवेव में बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आइसक्रीम बनाना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, मतलब आपको पॉइंट पता चल गया कि क्या क्या बन सकता है। नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि माइक्रोवेव में सब कुछ बन जाए। चलिए बहुत कुछ बनाते हैं। एक सब्जी बनाते हैं, रोजमर्रा की सब्जी, और कैसे, इंडियन स्टाइल में, बीन्स और कोकोनट की। इसके लिए सबसे पहले तो एक माइक्रोवेव प्रूफ बर्तन ले लें, ग्लास सबसे अच्छा होता है। तो ये तेल ले लेते हैं, इसमें हम डालते हैं मस्टर्ड सीड्स और इसके साथ करी पत्ते और हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है काट के इसमें डाल देते हैं, ये हरी मिर्च। अच्छा, नॉर्मली जब हम ट्रेडिशनल कुकिंग करते हैं तो उस केस में हम लोग पहले तेल को गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स डालते हैं और बाकी चीज़ें बाद में डालते हैं। लेकिन माइक्रोवेव कुकिंग में सब ये एक साथ में हो सकता है। और इसको बिना कवर किए 2 मिनट तक माइक्रोवेव हाई पे पकाएंगे। ये रख दिया। भाई जो माइक्रोवेव हैं वो भी किस्म किस्म के होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ नॉर्मल प्लेन माइक्रोवेव होते हैं, कुछ ग्रिल के साथ में होते हैं, कुछ कन्वेक्शन माइक्रोवेव होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, और उसमें भी जो पावर आउटपुट है किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इसलिए जो टाइमिंग है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब गैस पे खाना बनाते हैं तो सब दिखता रहता है, हमें पता होता है कि क्या करना है इसके साथ, हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोवेव में ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है, लेकिन फिर भी जब तक आप उसको अच्छी तरह से परफेक्ट ना कर लें तब तक थोड़ा सेफ रहें, थोड़ा कम कुक करें, चेक कर लें, और फिर आप देखेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। अब है, देखते हैं क्या हाल है। बहुत गर्म। अब ये देखिए, ये जो है इसमें से मस्टर्ड सीड जो है ये फूटे हुए हैं, दिख रहे हैं मुझे, और जो करी पत्ते हैं वो भी क्रिस्प करारे। अब इसमें डालते हैं ये प्याज, इसको मिक्स अच्छे से कर लें। इसे हम डाल देते हैं माइक्रोवेव के अंदर। ये रख दिया। जो ये प्याज है इसको 2 मिनट तक पका लेते हैं, इतने में लाल नहीं होंगे लेकिन पक जरूर जाएंगे। अगर लाल करने हो तो और ज्यादा पका सकते हैं, लेकिन उस केस में आप एक बार उसे स्टर कर लें। ये आवाज आ रही है कि प्याज हो गए हैं, ये देखिए प्याज स्वेट हो गए हैं। बस इतने ही हमने पकाने थे। अब इसके अंदर ये बीन्स, नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा, पीनट्स, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके साथ में थोड़ा सा पानी का छींटा। इसको मैंने 4 मिनट तक के लिए पकने के लिए रखा है माइक्रोवेव के अंदर, ढका नहीं है। माइक्रोवेव में भी ढक के पकाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो बीन्स हैं इसका रंग मुझे चाहिए एकदम अच्छा हरा। अगर ढक के पकाएंगे जैसे गैस के ऊपर पकाएं तो ढक के पकाएं तो रंग खराब हो जाएगा, हरा रंग खासतौर से, तो इसलिए उसमें भी ढककर नहीं पकाएंगे। और 4 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे, हिलाएंगे। चलिए ये अब इसमें से आवाजें आ रही हैं तो देख लेते हैं क्या हाल है। ये लीजिए, हाँ ये देखिए कितना अच्छा हरा रंग इसका, ये वाह। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पानी का छींटा और मैं देता हूँ तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। और अब इसको मैं रख देता हूँ 2 मिनट तक, और 2 मिनट और रख दिया पकने के लिए। 2 मिनट बाद ये पूरी तरह से पक जाएगी, और निकालने के बाद इसमें डालें स्क्रेप कोकोनट, अच्छी तरह से मिक्स करें, चाहे थोड़ा सा नींबू का रस भी डालें, लेकिन नींबू का रस बाद में डालें।
क्योंकि पहले डालने से क्या होगा, बिल्कुल ठीक, हरा रंग जो है वो इतना हरा नहीं रहेगा। हरा रंग बढ़ाने के लिए खाने का सोडा थोड़ा सा, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। हाँ, ये डालना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 8 करी पत्ते, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर खाने का सोडा, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई और कुटी हुई मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और आधा कप नारियल किसा हुआ। इसे बनाने के लिए एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल में तेल, राई, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर हाई पर करीब 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसे मिक्स करके इसमें प्याज डालकर 2 मिनट तक और पकाएं। निकालकर चलाएं। इसमें फ्रेंच बीन्स, नमक, खाने का सोडा, कुटी मूंगफली और थोड़ा सा माही डालकर इसे माइक्रोवेव हाई पर करीब 4 मिनट तक पकाएं और फिर इसमें नींबू का रस डालें और किसी हुए नारियल से डालकर सजाकर सर्व करें।